हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू. अवर टुडे टॉपिक इज कंपैरिजन ऑफ नंबर्स. ओके, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स मींस हमको यहाँ पर अलग अलग जो नंबर्स होते हैं उनको कंपेयर करना है. ठीक है, कि कौन सा नंबर बिग है, कौन सा स्मॉल नंबर है. राइट, सो फर्स्ट लुक एट दिस बिग फिश. इट इज़ वेरी वेरी हंग्री, सो इट हैज़ इट्स माउथ वाइड ओपन. ओके, यहाँ पर आपको कुछ फिशेज दिख रही हैं, यहाँ पर कुछ स्मॉल फिशेज है, यहाँ पर भी कुछ स्मॉल फिशेज है, लेकिन यहाँ पर एक बिग फिश है जो कि बहुत ही भूखी है. ओके, बहुत ही हंग्री है. ओके, सो इसने अपना जो माउथ है यहाँ पर वाइड ओपन कर लिया है. किस साइड, जिस साइड की जो स्मॉल फिशेज है वो ज़्यादा हैं. ओके, हम काउंट करेंगे इधर कितनी फिशेज है. 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 फिशेज हैं और यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4, 4 ही फिशेज हैं. तो इसको ज़्यादा भूख लगी है, तो ये ज़्यादा जो फिशेज हैं छोटी छोटी उनको खाएगी. तो उसने अपना माउथ इस साइड ओपन कर लिया. ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, आपके पास मान लीजिए बिस्किट्स के 2 पैकेट्स हैं. एक पैकेट में आपके पास 6 बिस्किट्स हैं और एक पैकेट में आपके पास में 3 बिस्किट्स हैं. जब आपको ज़्यादा भूख लगेगी तो आप किस साइड अपना माउथ ओपन करेंगे, जिस साइड ज़्यादा बिस्किट्स हैं, है ना. 6 बिस्किट्स का जो पैकेट है उस साइड आप ज़्यादा अपना माउथ ओपन करेंगे, और जिस साइड कम बिस्किट्स हैं आप उधर नहीं जाएंगे. राइट, तो ठीक इसी तरीके से इस फिश ने अपना माउथ ओपन किया किधर, जिधर ज़्यादा फिशेज हैं. ओके, द हंग्री बिग फिश ऑलवेज ईट्स ओनली द ग्रेटर नंबर ऑफ स्मॉल फिश. जो हंग्री फिशेज होती है वो हमेशा ग्रेटर नंबर ऑफ फिशेज को ही खाती हैं. ओके, पहले वो ग्रेटर नंबर जिधर हैं उधर की फिशेज को खाएंगी, जिधर ज़्यादा फिशेज हैं छोटी छोटी, उसके बाद ही वो छोटे जो फिशेज हैं उनकी तरफ जाए, कम नंबर्स वाली फिशेज की तरफ जाएगी. ओके, लुक एट द शेप ऑफ इट्स माउथ. अब देखिए यहाँ पर इस फिश का माउथ का शेप कैसा बन गया, ये साइन बना हुआ है. राइट, कैसा साइन है, दिस टाइप ऑफ साइन. ओके, वी यूज दिस शेप इन मैथमेटिक्स एज अ साइन. तो इस शेप को हम लोग क्या करते हैं, एज अ साइन यूज करते हैं मैथमेटिक्स में. ओके, सीन्स द बिग फिश इज मूविंग टूवर्ड्स स्मॉलर फिश, सो वी राइट 6 ग्रेटर देन 4. ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बिग फिश है उसका जो माउथ ओपन है वो ग्रेटर नंबर की साइड है. ओके, और स्मॉलर नंबर की साइड में उसका माउथ नहीं है, क्लोज है, मतलब इधर स्मॉलर नंबर की तरफ. तो इससे हम लोगों को क्या साइन शो कर रहा है कि जो ग्रेटर नंबर 6 है वो ग्रेटर है किससे, 4 से. मतलब 6 ग्रेटर नंबर है और 4 क्या है, स्मॉलर नंबर है. राइट, सो सिंस द बिग फिश टर्न्स अवे फ्रॉम द 4 फ्रॉम 4 स्मॉलर फिश. ओके, उसके बाद भी क्या होता है कि अगर हम इसको नंबर्स को टर्न भी कर देते हैं तो भी जो बिग फिश है वो हमेशा उसका माउथ किस साइड ओपन होगा, हमेशा बिग नंबर की साइड. बाय चांस इधर 6 फिशेस कर दें हम लोग और इधर 4 फिशेस हो जाए तो भी जो बिग फिश है उसका माउथ ग्रेटर नंबर जहाँ होगा वहीं पर ओपन होगा. ओके, सो वी राइट यहाँ पर, सो वी राइट 4 स्मॉलर देन 6. तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि 4 जो है वो छोटा है 6 से. वी रीड इट एज 4 इज लेस देन 6. ओके, सो 6 इज ग्रेटर देन 4, देन वी यूज दिस साइन. ग्रेटर नंबर जो भी होगा उस साइड क्या होगा, माउथ ओपन रहेगा हमेशा. क्या रहेगा, माउथ ओपन रहेगा. एंड लेस नंबर होगा तो माउथ जो है ये क्लोज है इधर माउथ. ओके, तो लेस नंबर की तरफ माउथ हमेशा क्लोज रहेगा. ओके, वी हैव ऑलरेडी लर्न कंपेरिजन ऑफ 2 डिजिट नंबर इन क्लास 1. ओके, क्लास 1 में आप लोग 2 नंबर डिजिट का कंपेरिजन करना सीख चुके हैं. लेट अस लर्न टू कंपेयर नंबर्स अप टू 3 डिजिट्स. ओके, तो अब हम लोग 3 डिजिट्स नंबर को कंपेरिजन करना सीखेंगे. ओके, द नंबर विथ ग्रेटर नंबर ऑफ डिजिट्स इज ऑलवेज ग्रेटर. ओके, जिसमें नंबर ग्रेटर होते हैं, डिजिट्स ग्रेटर होते हैं, वो नंबर हमेशा ग्रेटर होता है. जैसे यहाँ पर 1 2 1 है. ओके, तो ये इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, 3 डिजिट्स हैं इसमें. ओके, और यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2, 2 डिजिट्स का नंबर है ये और ये 3 डिजिट का नंबर है. तो जिस नंबर में डिजिट्स ज़्यादा होते हैं वो नंबर हमेशा ग्रेटर होता है. ओके, यहाँ पर 3 डिजिट हैं, 1 2 3. ओके, और यहाँ पर 2 डिजिट है, मतलब ये 9 है और 9, सो ये 2 डिजिट है. तो 3 ग्रेटर नंबर, तो ये जो 121 है ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर. किससे,
99 से. वी रीड इट एज 121 इज ग्रेटर देन 99, ओके, और 99 इज स्मॉलर 121. वी रीड इट एज 99 इज लेस देन 121, राइट. द नंबर विद ग्रेटर नंबर ऑफ हंड्रेड्स इज ग्रेटर, ओके. सो सेकेंड देखते हैं, एग्जाम्पल दिया यहाँ पे 440 ग्रेटर देन 331. तो द नंबर विथ ग्रेटर नंबर ऑफ हंड्रेड्स इज ग्रेटर. यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे हंड्रेड प्लेस पर कौन सा नंबर है. तो हंड्रेड प्लेस पर यहाँ पर है 4 और हंड्रेड प्लेस पर यहाँ पर है 3, ओके. तो हंड्रेड प्लेस पर 4 क्या है, ग्रेटर है. तो हमको पूरा नंबर कंपेरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, हंड्रेड प्लेस पर जो नंबर है वही हम कंपेयर करेंगे. सो 4 यहाँ पर ग्रेटर है और 3 यहाँ पर लेस नंबर है. तो 440 जो है ये नंबर पूरा ग्रेटर होगा और किससे होगा, 331 से, ओके. सो 331 लेस नंबर हो जाएगा एंड 440 नंबर ग्रेटर हो जाएगा, ओके. नाउ थर्ड पॉइंट इज इफ द डिजिट्स एट हंड्रेड प्लेस आर सेम, मीन्स यदि जो डिजिट है, जैसे ये 3 डिजिट्स नंबर है, जो 100 प्लेस पर डिजिट है दोनों नंबर्स में यदि वो सेम होता है, ओके. जैसे यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 100 प्लेस पर दोनों सेम है, तो अब क्या करेंगे हम लोग. तो हम लोग क्या करते हैं, देन द नंबर विद ग्रेटर डिजिट एट 10th प्लेस इज ग्रेटर, ओके. तो हम लोग किसको कंपेयर करेंगे, जो 10th प्लेस पर जो डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे. तो यहाँ पर देखिए 10th प्लेस पर यहाँ पर 8 है और 10th प्लेस पर यहाँ पर क्या है, 5 है. तो ग्रेटर कौन सा है, 8 ग्रेटर है. तो 287 जो हो जाएगा वो ग्रेटर हो जाएगा एंड 253 जो हो जाएगा वो स्मॉलर हो जाएगा, ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द डिजिट्स एट हंड्रेड्स एंड टेंस प्लेस आर सेम, द नंबर विथ ग्रेटर डिजिट एट वंस प्लेस इज ग्रेटर, ओके. यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट में क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो 100 प्लेस पर डिजिट है पहले हम उसको कंपेयर करेंगे, ओके. यहाँ पर 100 प्लेस पर कौन सा है, 5, यहाँ भी 5 है. तो अब हमको कौन सा डिजिट कंपेयर करना पड़ेगा, 10th प्लेस पर जो है. तो 10th प्लेस पर यहाँ पर भी 5 है, 10th प्लेस पर यहाँ भी 5 है. अब यहाँ पर हमको वंस प्लेस पर जो नंबर है उनको कंपेयर करना पड़ेगा. सो वंस प्लेस पर यहाँ पर क्या है, 9, और यहाँ पर वंस प्लेस पर है 4. सो 9 वंस आर ग्रेटर देन 4 वंस, मतलब 9 जो है वो ग्रेटर नंबर है 4 से. तो ग्रेटर पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 559 इज ग्रेटर नंबर देन 554, ओके. लास्ट पॉइंट इज इफ द डिजिट्स एट हंड्रेड्स टेंस एंड वंस प्लेस आर सेम, मतलब यदि 2 नंबर्स में 100 प्लेस के नंबर दोनों सेम हो, 10th प्लेस के दोनों नंबर सेम हो और 1st प्लेस के दोनों नंबर सेम हो, यदि पूरे नंबर सेम हो तो द नंबर आर इक्वल. तो क्या हो जाएगा, नंबर इक्वल हो जाएगा. वी रीड इट इज 883 इज इक्वल्स टू 883, ओके. लेट्स सी द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 7, ओके. फिल इन द बॉक्सेस यूजिंग करेक्ट साइन ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल, ओके. The first one has been done for you. Here 136 and 115. Okay. So हम लोग पहले क्या करेंगे, 100 प्लेस पर जो नंबर है उसको कंपेयर करेंगे. 100 प्लेस पर यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ओके. सो अब हम लोग सेकेंड जो डिजिट है, मीन्स 10th प्लेस पर जो डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे. यहाँ पर 10th प्लेस पर क्या है, 3, यहाँ पर 10th प्लेस पर क्या है, 1. सो इन दोनों में 3 ग्रेटर नंबर है, डिजिट है, ओके. सो पूरा ग्रेटर नंबर 136 हो जाएगा, ओके. और माउथ ओपन किस साइड होगा, जो नंबर ग्रेटर होगा. सो 136 ग्रेटर नंबर है तो ये माउथ जो ओपन है वो ग्रेटर नंबर की साइड है, और यहाँ पर ये 115 लेस नंबर है तो ये जो क्लोज माउथ है ये लेस नंबर की साइड है, ओके. नेक्स्ट इज 500 एंड 499, ओके. सो हम लोग पहले फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे. यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 4, ओके. यहाँ पर 100 प्लेस पर 5 है, यहाँ पर 100 प्लेस पर 4 है. सो यहीं से हमको पता चल गया कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, 5, मतलब पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 500 ग्रेटर हो जाएगा 499 से. तो जो ओपन माउथ है वो हम लोग रखेंगे 500 इधर की साइड.
ओके. थर्ड क्वेश्चन इज 647 और यहाँ पर क्या है 642. सो फर्स्ट डिजिट हम लोग कंपेयर करेंगे 100 प्लेस पर जो है, यहाँ पर 100 प्लेस पर 6 है, यहाँ पर 100 प्लेस पर भी 6 है. ओके. सो अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड डिजिट को कंपेयर करेंगे. सो सेकंड डिजिट यहाँ पर 4 है जो कि 10th प्लेस पर है, और यहाँ पर 10th प्लेस पर क्या है 4 है, ये भी दोनों सेम है. तो अब हम क्या करेंगे कि 1th प्लेस पर जो डिजिट है उसको करेंगे, राइट. तो यहाँ पर 7 जो है 1th प्लेस पर कंपेयर करेंगे तो 7 है, और यहाँ पर 1th प्लेस पर 2 है, तो 7 और 2 में ग्रेटर कौन सा है, 7 है. तो जो 647 डिजिट है, नंबर है, वो पूरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा. सो हम लोग ये साइन लगाएंगे और जो ओपन माउथ है वो ग्रेटर नंबर की साइड होगा, राइट. नेक्स्ट देखेंगे 299. ओके. और यहाँ पर 437. सो फर्स्ट डिजिट जो है 100 प्लेस पर क्या है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर फर्स्ट डिजिट जो है वो 4 है. सो हम लोग को क्या यहाँ से कंपैरिजन किया तो क्या पता चला कि जो 4 है वो डिजिट क्या है, ग्रेटर है. सो ये हमारा पूरा नंबर जो है 437 ग्रेटर हो जाएगा किससे, 239 से. तो ओपन माउथ किस साइड रखना है हमको, जिधर नंबर ग्रेटर है. सो ये ओपन माउथ हम इस साइड रखेंगे, राइट. नेक्स्ट इज 628 एंड 599. सो 100 प्लेस पर डिजिट कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है 100 प्लेस पर. सो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 6 ग्रेटर नंबर है, तो ये पूरा नंबर जो है 628 ग्रेटर हो जाएगा. सो हम लोग ओपन माउथ रखेंगे 628 की तरह. नेक्स्ट है 555 एंड 666. सो हमको फर्स्ट डिजिट कंपैरिजन करना है 100 प्लेस पर जो है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, 6 ग्रेटर नंबर है, तो पूरा नंबर जो है 666 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा. सो हम लोग साइन लगा देंगे ग्रेटर का. ओके. नेक्स्ट इज 127. ओके. तो यहाँ पर दोनों नंबर सेम है, तो हम लोग कौन सा साइन लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगा देंगे. ओके. 819 एंड 810. फर्स्ट डिजिट कंपेयर किया, सेम है, 8 है. सो अब हम सेकंड डिजिट कंपेयर करेंगे, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये भी सेम है. तो थर्ड डिजिट कंपेयर करेंगे, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 0 है. 9 और 0 में से कौन सा ग्रेटर नंबर है, 9. ओके. सो ग्रेटर पूरा नंबर कौन सा हो जाएगा, 819. सो ओपन माउथ है वो ग्रेटर नंबर की तरफ होगा, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है 300 एंड 400. फर्स्ट डिजिट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है. ओके. सो 4 इज ग्रेटर, सो दिस साइन, राइट. एंड लास्ट 999 एंड 998. सो यहाँ पर 9 है फर्स्ट डिजिट, यहाँ भी 9 है. सेकंड डिजिट यहाँ पे 9 है, यहाँ भी 9 है. एंड थर्ड डिजिट यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 8 है. सो जो 9 है उसको वो ग्रेटर हो गया, तो 999 पूरा नंबर जो है वो ग्रेटर है. सो हम लोग पुट करेंगे दिस साइन. ओके. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. हरे कृष्णा.